तो जनाब इंग्लिश वो सब्जेक्ट है जिसे हम दूध में आई हुई मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं और हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जनाब अगर आप इस पे ध्यान दे दें तो यही सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है और सबसे ज्यादा मार्क्स आपके इंग्लिश में आ रहे होते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ज्यादा मेहनत को डिमांड नहीं करता है, सही मेहनत को डिमांड करता है। इंग्लिश को आप कंप्लीट कर सकते हैं 10-15 दिन के अंदर। आप इसका कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकते हैं, आप इसकी एनसीईआरटीज को भी पढ़ सकते हैं और जनाब आप इससे अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकते हैं, इवन 99 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। आई हैव गॉट दी 95 मार्क्स इन क्लास 10th इंग्लिश एग्जामिनेशन। तो भैया मैं आपको बता सकता हूं कि आप कैसे करके ये कर सकते हो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही धमाकेदार, क्योंकि आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं जबरदस्त रिसोर्सेज जिससे कि आप ये चीज कर पा रहे होंगे 101%। तो चलिए भाई आज की इस वीडियो को चालू कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा आप शुरू से लेके एंड तक वीडियो पे रोके रहेंगे। आपके काम की वीडियो, एक भी सेकंड आप इसमें मत करिएगा। लेट्स मूव द इंट्रो ऑफ द वीडियो। इंग्लिश क्लास 10। तो भैया इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जो होता है कम मेहनत में 90+ मार्क्स ला सकते हैं आसानी से। इंग्लिश में आपको दो ही चीजें बहुत अच्छी तरीके से याद करनी होती है, बहुत अच्छी तरीके से समझनी होती है। वो दो चीजें कौन सी हैं भैया? वो दो चीजें हैं कि पहली आपकी एनसीईआरटी, दूसरी आपकी जो होता है वर्ड मीनिंग्स और जो होता है पोएम्स के अल्टरेशंस, पोएम्स के जो होता है राइमिंग स्कीम, पोएम्स के मेटाफर्स, पोएम्स की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर ले जाओगे इंग्लिश एग्जामिनेशन के अंदर। बट भैया हम अगर ये सारी चीजें कर भी लेते हैं लेकिन तब भी हमें जो होता है वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, हमारे प्री बोर्ड में मार्क्स इंप्रूव नहीं होते हैं, हम एनसीईआरटी पढ़ते थक गए हैं, हमें एनसीईआरटी अकेले समझ में नहीं आती है, पोएम्स की लाइंस का क्या मतलब निकला हमें नहीं पल्ले पड़ता है, यहां पे अब आपके आते हैं रिसोर्सेज आज के। तो भैया आज की वीडियो में आप लोगों के सामने लेके आ चुके हैं कंप्लीट क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट के बेस्ट हैंडराइटिंग नोट्स आपके 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जनाब ये वो नोट्स होने वाले हैं जिसके अंदर अगर आप प्रोस पढ़ रहे होंगे तो प्रोस के अंदर हमने जो होता है कंप्लीट एनसीईआरटी का सिलेबस कवर कर रखा है, साथ साथ में आपके चैप्टर को इन डिटेल एक्सप्लेन करा है विद द हेल्प ऑफ द वेरी शॉर्ट समरी और आपको जो होता है बहुत आसान तरीके से चैप्टर को समझाया है। साथ साथ में हमने जो होता है पोएम्स के अंदर बच्चों को दिक्कत आती है, पोएम्स के आपके कंप्लीट नोट्स को अपलोड कर दिया गया है। अब इनके अंदर आपको पोएम्स की स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, आपका हर एक स्टैंजा है फिर उसकी एक्सप्लेनेशन है, स्टैंजा वाइज हमने पोएम्स की एक्सप्लेनेशन दे रखी है। तो अगर आप ये सारी चीजें कर ले जाते हो इंग्लिश में आपके 90+ मार्क्स लाने से डंके की चोट पे कह रहा हूं कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भैया इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि कम मेहनत मांगता है और आपको उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। इंग्लिश में आपको बस यही चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो भैया अभी पढ़ाई मजा के नोट्स कहां पे अवेलेबल है भैया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले सुनो इन नोट्स को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये नोट्स पढ़ने हैं, जाके इस नोट्स को पढ़ने के बाद में आपको एनसीईआरटी पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी को छुओ भी ना तो भी आपका काम हो जाएगा। पोएम्स को हमने स्टैंजा वाइज एक्सप्लेन करा है तो उससे आपको पोएम भी पूरी डिटेल में समझ में आ रही होगी। फर्स्ट फ्लाइट के सारे नोट्स हमने अवेलेबल करा दिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके प्रोज के हम सारे नोट्स अवेलेबल करा देंगे, जो आपकी फुटप्रिंट विदाउट फीट है उसके हम सारे नोट्स अवेलेबल करा देंगे। फिर उसके बाद में आपको इसका भी चैलेंज मिलेगा, साइंस का चैलेंज आपका आ रहा है नेक्स्ट संडे को, उसके लिए भी आप तैयार रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट संडे को हमारा एसएसटी का चैलेंज कंप्लीट हो रहा है। वीडियो यहां पे अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हो। तो भैया अब बात करते हैं जरा इन नोट्स को आपको डाउनलोड कहां से करना होगा, जाके कहां पे आपको ये नोट्स। तो जनाब इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको जाना होगा इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगी मिडिल में 1-2-3 करके, जहां पे बहुत सारी लिंक्स होंगी वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी सीई करके, कंप्लीट इंग्लिश करके सीई करके एक लिंक होगी। उसमें आपको एक ड्राइव के फोल्डर की लिंक मिलेगी, उस फोल्डर पे आप जाएंगे तो वहां पे हमने जो होता है प्रोज को और पोएम्स को अलग अलग करके क्लासिफाई कर रखा है। आप प्रोज पे क्लिक करेंगे उसमें प्रोज के सारे नोट्स हैं, पोएम्स पे आप क्लिक करेंगे पोएम्स के उसमें सारे के सारे नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं। तो जनाब आज की थी यही वीडियो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है सबसे आसान है, सबसे अच्छी तरीके से हम इसको कवर करेंगे। तो चलिए भाई इसी नोट के ऊपर खत्म करते हैं आज की वीडियो को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल के ऊपर तो यहां पे आप चैनल को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपकी कंप्लीट एसएसटी के नोट्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, साइंस के नोट्स की ये रही प्लेलिस्ट, इंग्लिश के नोट्स की ये रही। मैं मिलता हूं आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही फोड़ते रहिए।